तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की काफी अच्छी अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफी बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफी बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए काफी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी। छत्तीसगढ़ में जो है किसानों का बैंक कर्जा माफ होगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा, विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है नई घोषणा, नई खुशखबरी, नई अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं वो 6 वादे भी आप सभी के लिए पूरे हो पाएंगे। तो घोषणा पत्र के 6 वादे जो है आखिरकार कौन कौन से वादे हैं और किस तरह से पूरे हो पाएंगे वो भी बताऊंगा, आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में जो है सभी किसानों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है सभी किसानों का, बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाते हैं और प्रत्येक किसानों का, बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिल पाती है। जी हाँ, तो बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफी बड़ी घोषणा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त जो है निकल के आ रहा है, जिसमें जो है किसानों का, बैंकों का जो है कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। क्योंकि बहुत से किसान होते हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा कर्जा होता है, बहुत से किसान होते हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन होता है, तो उनमें से हर एक किसान जो है बैंकों के कर्ज की वजह से, उनमें से हर एक किसान जो है बैंकों के लोन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा स्ट्रगल, काफी ज्यादा परेशानी उन्हें जो है फेस करना पड़ता है। क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज होता है जिसके वजह से किसानों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज्यादा परेशानी होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगा, और आप सभी किसानों का, बैंकों का जो है कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा जो घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं वो 6 वादे भी आप सभी के लिए पूरे हो पाएंगे। और किसानों के लिए तो काफी बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में जो है सभी किसानों का, जी हाँ, केवल एक स्पेसिफिक किसान नहीं, सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक बैंकों का कर्जा माफ होगा। यानी छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा कर्जा है, छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन है, तो उन सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे ज्यादा जरूरी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। देखिये, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए और काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसानों का, बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो जाता है, तो अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 24 लाख किसान है। जी हाँ, 24 लाख किसान है, और 24 लाख किसानों को जो है कर्ज माफी का जो है फायदा जो है देखने को मिल पाएगा। अगर सभी किसानों का, अगर बैंकों का कर्जा माफ होता है, तो प्रत्येक किसानों का लोन माफ हो पाएगा, प्रत्येक किसानों का, बैंकों का जो है केसीसी लोन, प्रत्येक किसानों का जो है बैंकों का केसीसी ऋण जो है माफी जो है देखने को मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए। आपको पता ही है कि विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी आप सभी के लिए देखने को, आप सभी को जो है मिल पाते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आपको पता ही है कि विष्णु देसाई सरकार के द्वारा आप सभी से किया हुआ हर एक वादा कहीं ना कहीं जो है पूरे हो पाते हैं। तो बीजेपी ने की बड़ी घोषणा इस वक्त है कि आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफी महत्वपूर्ण घोषणा पत्र,
इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। आपको पता है कि जितने भी वादे आप लोगों से किए जाते हैं उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है किए जाते हैं। हो सकता है कि बहुत से वादे जो आप सभी के लिए बीजेपी घोषणा पत्र जो निकाले जाते हैं उन सभी वादों को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा, आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं जो है अवश्य रूप से जो है पूरे हो पाते हैं। आप सभी से किया हुआ हर एक चीजें जो है अवश्य रूप से कहीं ना कहीं जो है फुलफिल हो पाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप सभी के लिए। तो जो भी वादे हैं जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और घोषणा पत्र के 6 वादे जो है पूरे हो पाएंगे। जी हाँ, जो घोषणा पत्र के जो 6 वादे हैं वो 6 वादे आप सभी के लिए कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, वो कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। सो टाइम लगता है, वक्त लगता है किसी भी वादों को पूरा करने में, टाइम लगता है, समय लगता है किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफिल अप करने में, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा, आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो जो है, आप सभी से किया हुआ हर एक वादा कहीं ना कहीं आप सभी के लिए पूरे हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए आप फुलफिल होने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंतजार आपको जो है करना पड़ेगा। और आप सभी किसानों का जो है बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होने वाला है, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जो है सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक बैंकों का कर्जा माफ हो पाएगा, और ये आप सभी के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट्स होते हैं, बीजेपी सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट्स निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी वादों को पूरा करने में, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफिल अप करने में, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे हो पाते हैं। आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अवश्य रूप से पूरे हो पाते हैं। तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा पूरे हो पाएगा। आई होप वीडियो सबको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।